डियर स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रही थी उर्वरक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था, उसी में नेक्स्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज समझाती श्रेणी। यहाँ से आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे समझाती श्रेणी में क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो या उनके रासायनिक गुणधर्म समान हो लेकिन उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके मध्य CH2 समूह का अंतर अर्थात अणुभार 14 का अंतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यानी कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके में क्रियात्मक समूह समान हो रासायनिक गुणधर्म समान हो लेकिन उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके मध्य क्या हो, CH2 समूह का अंतर जनरेट होता हो। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है वो क्या कहलाती है, आपकी होमोलोगस श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ से क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की वो श्रेणी जिसमें क्या समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो रासायनिक गुणधर्म समान हो एवं उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके मध्य CH2 समूह का अंतर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अणुभार 14 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों की वो श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो रासायनिक गुणधर्म समान हो उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके मध्य कौन से समूह का अंतर हो, CH2 समूह का अंतर हो या अणुभार 14 का अंतर होता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे मैं एल्केन श्रेणी की बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं एल्केन श्रेणी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यानी एल्केन श्रेणी के रूप में मैंने यौगिक लिखा CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना प्लस दो हाइड्रोजन होता है तो उसको बोलते हैं एल्केन। एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथ, और उसका दुगुना प्लस दो हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे एन लग जाता है, तो मेथ प्लस एन मिलकर क्या बन जाएगा, इस यौगिक का नाम मेथ है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब क्या है, एथ, और डबल प्लस दो हाइड्रोजन है तो क्या लगा देते हैं यहाँ से एन, एथ प्लस एन मिलकर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो देखो इन यौगिकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, 3 4 5 तो यहाँ पे बढ़ता क्रम है, तो दो क्रमागत सदस्य दोनों है इनके मध्य किसका अंतर जनरेट हो जाता है, CH2 समूह का। देखो यहाँ पे एक दो कार्बन में से एक कम करोगे तो एक कार्बन, यहाँ पे 6 में से 4 निकालो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इनका जो गैप है क्रमागत सदस्यों के मध्य का जो अंतर है वो किसका आ जाएगा, CH2। इसी प्रकार से यहाँ पे भी किसका आ जाएगा, CH2। 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ पे 8 में से 6 जाएंगे तो 2H, तो CH2। इसी प्रकार से इन दोनों में भी किसका अंतर हो जाता है, CH2 समूह, और इन दोनों में भी किसका अंतर जनरेट हो जाता है, CH2 समूह का अंतर हो जाता है। तो ये किसकी श्रेणी कहलाती है, एल्किन की समजातीय श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार से एल्किन नंबर 2 में एल्किन की बात करते हैं, एल्किन श्रेणी फॉर्मूला होता है CnH2n, कार्बन की संख्या है उसका दुगना हाइड्रोजन है तो वो श्रेणी कहलाती है आपकी एल्किन। जैसे मैंने C2H4 नेक्स्ट लिखा C3H6 C4H8 C5H10। तो यहां से देखें दो क्रमागत सदस्य बढ़ता क्रम है, कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, 5,
तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दो क्रमागत सदस्यों के मध्य तीन में से दो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी, और छह में से चार जाएगा तो यहाँ पे अंतर किसका जनरेट हो जाएगा सी एच टू का। इसी प्रकार से इसमें भी किसका अंतर हो जाएगा सी एच टू, ये भी किसका हो जाएगा सी एच टू। इसका नाम क्या होता है एथीन, क्योंकि दो कार्बन और उसका दुगना हाइड्रोजन होता है तो वहां पे क्या लगता है इन। दो कार्बन का मतलब क्या होता है एथ, दुगने हाइड्रोजन का मतलब होता है इन, एथ प्लस इन मिलकर यौगिक का नाम बन जाता है एथेन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट एल्काइन श्रेणी की बात करें, एल्काइन श्रेणी इसका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना में से दो कम हाइड्रोजन है तो वहां पे होता है एल्काइन। जैसे मैंने लिखा सी टू एच टू, सी थ्री एच फोर, सी फोर एच सिक्स, सी फाइव एच एट, यानी कि एथाइन है, इसका नाम होता है प्रोपाइन, ब्यूटाइन इसका नाम होता है पेंटाइन। यानी कि इन दोनों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो देखो दोनों समूह के मध्य अंतर किसका जनरेट हो जाएगा सी एच टू समूह। इसी प्रकार से इनमें से चार में से तीन जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और इन दोनों क्रमागत सदस्यों के मध्य अंतर किसका जनरेट हो जाएगा सी। ये इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है वो कहलाती है समझाती श्रेणी, या तो क्या वो क्रियात्मक समूह समान या फिर रासायनिक गुणधर्म समान। तो यानी इसमें क्या होता है केवल रासायनिक गुणधर्म समान है, देखो सभी में क्या है भाई डबल बॉन्डेड है, असंतृप्तता है, यहाँ पे देखो एल्किन है तो सभी में क्या लग रहा है इन, यहाँ पे एल्किन वाली है तो सभी के नाम के अंत में क्या आ रहा है इन 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 इन। ऐसे यहाँ पे रासायनिक गुणधर्मों में एल्काइन श्रेणी की बात करें तो आइन आइन आइन। अब लास्ट यदि क्रियात्मक रासायनिक गुणधर्म समान नहीं है तो फिर क्या समान होगा, यहाँ से क्रियात्मक समूह भी समान होगा, क्रियात्मक समूह समान होने पर क्रियात्मक समूह समान। देखो मैंने यहाँ पे एल्कोहल श्रेणी की बात की, एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल श्रेणी का मतलब क्या है सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच। एल्कोहल श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच। एग्जाम्पल के रूप में लिखा मैंने सी एच थ्री ओ एच, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन, कार्बन का बढ़ता क्रम है। दो क्रमागत सदस्यों के मध्य देखो अंतर किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे तीन कार्बन में से एक कार्बन जाएगा तो यहाँ पे कार्बन कितना बच जाएगा वन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे तीन और दो पांच, पांच में से तीन जाएगा तो यहाँ पे अंतर किसका जाएगा सिक्स, और OH से OH क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो अंतर किसका हो जाएगा CH2। इसी प्रकार से इन दोनों के मध्य किसका अंतर हो जाएगा CH2 समूह। इस यौगिक का नाम क्या है मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल और ये होता है प्रोपिल एल्कोहल। यानी कि इस प्रकार की जो श्रेणियां होती है वो कार्बनिक यौगिक क्या कहलाती है समझाती श्रेणियां कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें या तो रासायनिक गुणधर्म समान हो या फिर इनके क्रियात्मक समूह समान हो, और कार्बनिक यौगिकों किस क्रम में व्यवस्थित कर दे, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दे तो कर्मागत दो सदस्यों के मध्य अंतर किसका जनरेट हो जाए सी एच टू समूह का अंतर उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार की जो श्रेणी होती है कहलाती है समझाती श्रेणी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक्स।